9 जनवरी मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि मंगलवार का दिन ज्येष्ठा नक्षत्र लगा हुआ है। आज के दिन मंगलवार है और प्रदोष भी है, तो प्रदोष होने के कारण भौम प्रदोष बनता है, तो भौम प्रदोष की बहुत महत्वता बताइए। यहाँ तक दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, भौमास्विन्या निशाम गरे चंद्रे शतभिशाम गते। भौम और प्रदोष ये दोनों साथ में होने के कारण भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। तो आज उपासना का दिन है, आपके अंदर जीवन में जो भी दोष है वो दोष को मुक्त करने के लिए भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए, माँ जगदम्बा को प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए और साथ में प्रदोष का व्रत भी करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात शिवरात्रि कहा जाता है, तो रात्रि के समय भगवान शिव की भी पूजा अवश्य करें।